Welcome students. Today I am going to discuss a new chapter, single entry system, is also known as accounting from incomplete records. आज हम आपके सामने में एक नया चैप्टर अकाउंटेंसी में लेने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, या इसे हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अपूर्ण लेन देनों के आधार पर बनाया जाने वाला लेखांकन के नाम से भी जानते हैं। हम आपको इस चैप्टर के सीरीज ऑफ वीडियो में डिफरेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड की जानकारी देंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड आने वाली सभी समस्याओं की जानकारी देंगे। जैसे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के नाम से पहला वीडियो रिलीज करेंगे, जिसमें कि कंसेप्ट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी एंड नीड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग, इन सब की जानकारी देंगे। इसके पश्चात प्रिपरेशन प्रोसीड्योर, जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजिशन जानना, इसके लिए क्या क्या अकाउंटिंग कैसे बनाई जाती है, इसके लिए जो दो मेथड्स हैं, एक नेट वर्थ मेथड है और दूसरा कन्वर्जन मेथड है, दोनों की विस्तार से हम जानकारी देंगे। साथ ही साथ टोटल परचेजेस या क्रेडिट परचेजेस, टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स कैलकुलेशन की भी जानकारी देंगे। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है तो उसे भी निकालना बतलाएंगे, और इन सब बातों के बेसिस पर हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना बतलाएंगे, और जरूरत पड़ने पर डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट की भी जानकारी देंगे। अंत में हम आपको इस सीरीज ऑफ वीडियो में बिल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग कैसे सिंगल एंट्री सिस्टम में की जाती है, या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में की जाती है, इसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले पहला वीडियो जो हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन नाम से, इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम और इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अपूर्ण लेन देनों के आधार पर लेखा लिखने के लिए क्या परिचय है, शुरुआती बातें हैं, इसी की जानकारी, इसी के बारे में हम आपको बतलाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बतलाएं कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो हमारा ओल्डेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, दुनिया में इसे फर्स्ट अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और नेचुरली हम सब जानते हैं कि जब किसी भी काम को पहली दफा करते हैं तो बहुत सिस्टमेटिक साइंटिफिकली होगा, ऐसा कुछ नहीं है, और इवन करेक्ट रिजल्ट देगा ऐसा भी नहीं है। हम कुछ जानते नहीं है, हम अवेयर नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर किसी भी रास्ते पर चल बैठते हैं, शायद ही मंजिल मिले, धीरे धीरे चलते चलते फिर हमें सही अंदाजा मिलता है, मंजिल की जानकारी होती है, सही रास्ते की जानकारी होती है। बिल्कुल वही स्थिति सिंगल एंट्री सिस्टम में भी है। सिंगल एंट्री सिस्टम में लेन देनों को लिखने की शुरुआत की गई, नाम से क्लियर है सिंगल एंट्री, मतलब जबकि लेन देन, ट्रांजेक्शंस, टू रिसीव एंड टू गिव दो बातें हैं, हमेशा दो तरह की बातें हैं, लेकिन जब सिर्फ अकाउंटिंग एक पहलू पर बल देकर के किया जाता है तो उसे ही सिंगल एंट्री सिस्टम का नाम दिया गया, क्योंकि शुरुआत में दूसरे पहलू की कोई जानकारी नहीं थी, अज्ञानता था, नॉलेज में कमी थी, परिणाम स्वरूप हम एक ही एस्पेक्ट पर बल देते थे लेन देनों को लिखने के लिए, कि जो व्यक्ति जिससे लेन देन हो रहा है उसी पर बल देते थे अकाउंटिंग लिखने के लिए। सिंगल एंट्री सिस्टम टोटली बेस्ड अपॉन इन ओनली वन एस्पेक्ट, एंड दैट एस्पेक्ट इज पर्सनल एस्पेक्ट, और नेम ऑफ पर्सन इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। इसी कारण से यह सिस्टम हम पाते हैं कि सिंपलेस्ट सिस्टम है, इजिएस्ट सिस्टम है, मिनिमम टाइम टेकिंग अकाउंटिंग प्रोसेस है, सरल होने के कारण, कम खर्चीला होने के कारण, कम समय लगने के कारण हम आज भी हम यूज में पाते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम अपनाया जाता है। लेकिन ज्यादातर किसके द्वारा अपनाया जाता है, तो जो बिगिनर्स हैं बिजनेस में, स्मॉल साइज बिजनेस यूनिट है, प्राय सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए पाते हैं। लेकिन हम जानते हैं इस सिस्टम को अडॉप्ट करने के क्रम में चूंकि हमारे पास में जानकारी की कमी रहती है, उतना व्यापक तरीके से हम अकाउंटिंग करना नहीं चाहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ज्यादा सिस्टमेटिक हो जाता है, परिणाम स्वरूप जिस दिन भी हमारा लेवल थोड़ा ऊपर उठता है, हम चाहते हैं सिस्टमेटिक और करेक्ट रिजल्ट निकालने वाला सिस्टम को अपनाना, तो स्वाभाविक तौर पर इस सिस्टम को छोड़ करके हम नए सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम में जाकर के अकाउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट्स की जानकारी वन बाय वन आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं,
सबसे पहला पॉइंट आता है, ये ओल्डेस्ट फर्स्ट अकाउंटिंग सिस्टम इसे माना जाता है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, भारत में भी इस तरीके से इसे पहला लेखांकन पद्धति मानी जाती है। और पहली लेखांकन पद्धति है तो हम प्राय देखते हैं ये अनसाइंटिफिक सिस्टम है, इनकम्प्लीट सिस्टम है और इसमें फुल ऑफ इररेगुलरिटीज पाई जाती है। दूसरे शब्दों में ये इनकरेक्ट सिस्टम है, अपूर्ण पद्धति है, अवैज्ञानिक पद्धति है, इसमें अनियमितता भरी पड़ी है और इस कारण से ये सही या शुद्ध पद्धति नहीं मानी जाती है, इनकरेक्ट सिस्टम माना जाता है। अकाउंटिंग इसमें सिर्फ एक ही पहलू पर बल दिया जाता है, दैट एस्पेक्ट इज पर्सनल एस्पेक्ट। इसी कारण से इसका नाम भी पड़ गया सिंगल एंट्री, बिकॉज ऑफ ओनली वन एस्पेक्ट, सिंगल एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड अंडर दिस सिस्टम। नेक्स्ट इनकरेक्ट रिजल्ट आता है, इसलिए अनरियलाइबल सिस्टम है, अविश्वसनीय पद्धति है। आज बिजनेसमैन इसको विश्वास के रूप में नहीं अपनाते हैं या जानते हैं। हाँ, बिजनेसमैन जल्दी से रिजल्ट चाहता है, बिजनेसमैन का आकार प्रकार छोटा है तो उस कंडीशन में उसे और विशेष परिस्थिति या कठिनाइयों का सामना नहीं करना है, परिणाम स्वरूप वो इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है। इसी कारण से आज भी हम देखते हैं ये पद्धति पॉपुलर है। इसका कारण क्या है, आज क्यों पॉपुलर है, क्योंकि ये इजिएस्ट सिस्टम है, इसमें जस्ट नॉलेज ऑफ अल्फाबेट इज सफिशियंट टू रिकॉर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। इसी कारण से कोई भी बिजनेसमैन को देखिए, अपने आसपास के बिजनेसमैन को देखिए, अगर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन करता है तो सो मेनी कस्टमर्स उसके यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, सो मेनी टाइम्स उसके यहाँ ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो आखिर वो अकाउंटिंग कैसे रखता है। तो जस्ट नेम ऑफ कस्टमर्स का नाम हम डिफरेंट पेजेस में लिखते हैं और एक इंडेक्स बना लेते हैं कि किस पेज में कौन सा कस्टमर का नाम। जैसे ही वो कस्टमर आया, ट्रांजेक्शन कुछ भी किया, हम ऑलवेज उसके नाम के शीर्षक में ऑलवेज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड अंडर द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और कस्टमर। उस ग्राहक के नाम के शीर्षक में हम लेन देन को लिखते हैं। जैसे हमने उसको क्रेडिट में सेल किया, उधार सामान बेचा, तो लिखते हैं कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹5,000, ड्यूज ₹5,000। अगले दिन वो आकर के ₹2,000 पे कर देता है, तो लिखते हैं रिसीव्ड ₹2,000 उसी के नीचे में, और फिर लिखते हैं ड्यूज या बैलेंस ₹3,000। इसी तरीके से दूसरा कस्टमर आता है, दूसरे कस्टमर के पेज में हम उसकी अकाउंटिंग को लिखते हैं। तो ट्रांजेक्शन कुछ भी हो, सामान बेचे, सामान वापस आए, पेमेंट करे, या किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन हो उस पर्टिकुलर कस्टमर से, हम उसको इस सिस्टम में अकाउंटिंग लिखते हैं। और अभी जो प्रोसेस बतला है उसमें कोई भी अकाउंटिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज ऑफ अल्फाबेट इज सफिशियंट टू रिकॉर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। शब्द का ज्ञान या शब्दों का ज्ञान अगर हमारे पास है, लिखने की उतनी क्षमता है, तो हम इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं। और इन्हीं कारणों से पाते हैं कि आज भी गली मोहल्ले की दुकानों में प्रायः इस सिस्टम को अपनाया जाता है। इस सिस्टम से हम अकाउंटिंग को, खासकर बकाया जानने के लिए, पेमेंट जानने के लिए, ट्रांजेक्शन को जानने के लिए, हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। तो ये सिंपलेस्ट सिस्टम है, लेस एक्सपेंसिव सिस्टम है और इसमें टाइम सेविंग होता है, बहुत कम समय में आसानी से हम लेन देन को लिख लेते हैं। इसके अलावा कैश ट्रांजेक्शन आर फुल्ली रिकॉर्डेड इन एनी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इस बात को हमेशा याद रखना है। हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम हो, डबल एंट्री सिस्टम हो, या और कोई अकाउंटिंग सिस्टम हो, टोटल कैश ट्रांजेक्शन बिजनेसमैन 100% ऑलवेज रिकॉर्ड करता है, हमेशा रिकॉर्ड करता है। ये ज्यूम करके हम इस सिस्टम में भी अकाउंटिंग की बातों को आगे बढ़ाएंगे। अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, निश्चित रूप से किसी भी सिस्टम का अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट लॉस जानना या फाइनेंशियल पोजिशन जानना। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं। और प्रॉफिट लॉस कैसे जानेंगे, यहाँ पर सिर्फ पर्सनल ट्रांजेक्शंस बेस्ड अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल ट्रांजेक्शंस हाउ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड, ये हमारे सामने में समस्या है। तो हम एक सामान्य सा उदाहरण, साधारण सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने में लेते हैं। मान लीजिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 से, और दिन भर बिजनेस करने के बाद शाम में हमारा पैसा जो है 10,200 हो गया। तो नेचुरली दिन भर में हमने कितना पैसा अर्न किया, कमाया, तो 200 कमाया। तो प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग कैपिटल मींस ओपनिंग कैपिटल, जिस कैपिटल से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, शुरू में इंट्रोड्यूस किया 10,000, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। एंड ओपनिंग कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, एंड एट द एंड जो कैपिटल आया क्लोजिंग कैपिटल है वो भी पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के बीच के डिफरेंस से हम प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर ले सकते हैं। यानी पर्सनल एस्पेक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस
जैसा कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ये बात स्पष्ट होता है, पहले से ये बात स्पष्ट हो रही है। और इसी एक आस्पेक्ट के कारण इसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। और जैसा कि देख रहे हैं, आस्पेक्ट्स दो होते हैं, पर्सनल और इनपर्सनल। उसमें से सिर्फ एक आस्पेक्ट पर बल देता है, इसीलिए इसे हम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर्सनल एस्पेक्ट के बेसिस पर हम प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। सिंपल इन दिस सिस्टम देर आर टू मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। इस सिस्टम में दो तरीके हैं, दो प्रोसेस है, दो विधियां हैं, दो मेथड्स हैं प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने का। एक नेट वर्थ वैल्यू मेथड कहलाता है, नेट वर्थ मेथड कहलाता है, और दूसरा कन्वर्जन मेथड कहलाता है। नेट वर्थ मेथड में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं प्रॉफिट लॉस की जानकारी के लिए, और कन्वर्जन मेथड में हम सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के इंफॉर्मेशन को हम डबल इंटरेस्ट सिस्टम के अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड करने लगते हैं। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके हम प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। इन दोनों तरीकों से हम विस्तार से जानकारी एक एक करके आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है नेट वर्थ मेथड। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल वैल्यू चाहिए, और दूसरा चाहिए हमें क्लोजिंग कैपिटल वैल्यू। अगर ये दोनों वैल्यू मिल जा रहा है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास है, तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ऐसा करने से अगर रिजल्ट जो है हमारा पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट कहलाएगा, रिजल्ट नेगेटिव आता है तो लॉस कहलाएगा। अब क्वेश्चन हमारा यह है कि क्या सिर्फ कैपिटल ही पर्सनल एस्पेक्ट है क्या? क्योंकि यहां पर पर्सनल एस्पेक्ट बेस्ड अकाउंटिंग है, यानी पर्सनल एस्पेक्ट में जितनी भी बातें हैं सबको लिखना है, सिर्फ कैपिटल को नहीं लिखना है। तो हम जानते हैं बिजनेसमैन जरूरत पड़ने पर ड्राइंग्स भी कर सकता है, बिजनेस में और जरूरत है तो एडिशनल या फर्दर या फ्रेश कैपिटल फिर से इंट्रोड्यूस भी कर सकता है। और ड्राइंग्स हो चाहे एडिशनल कैपिटल हो, ऑल आर पर्सनल ट्रांजेक्शंस एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड इन दिस प्रोसेस टू फाइंड प्रॉफिट लॉस। तो हमारा जो पहला मेथड है वो नेट वर्थ मेथड, और नेट वर्थ मेथड में प्रॉफिट लॉस के लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। और सुविधा के लिए जो कॉलम बनेगा इसमें, एक कॉलम पार्टिकुलर का बनेगा और अमाउंट्स के लिए डबल कॉलम बनाएंगे हम। एक डिटेल प्रेजेंट करेगा अमाउंट का और दूसरा फाइनल रिजल्ट बताएगा। और अभी भी बतलाए हम किस कैपिटल से किस कैपिटल को माइनस करेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल को, क्या क्लोजिंग कैपिटल पहले लिखेंगे, मींस कैपिटल एट द एंड अकाउंटिंग डेट में जो कैपिटल है, जिस दिन अकाउंट बना रहे हैं प्रॉफिट लॉस जानना चाह रहे हैं उस डेट के कैपिटल की वैल्यू को हम सबसे पहले लिखेंगे। दूसरे शब्दों में कैपिटल ऑन अकाउंटिंग डेट, कैपिटल एट द एंड और ऑन अकाउंटिंग डेट। इसमें से हमें माइनस करना है किसे, ओपनिंग कैपिटल। तो इसके वैल्यू में से ओपनिंग कैपिटल के वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो कहेंगे प्रॉफिट, नेगेटिव रिजल्ट आया तो कहेंगे लॉस। और अभी अभी बतलाए कि सिर्फ कैपिटल हमारा पर्सनल एस्पेक्ट नहीं है, और भी पर्सनल एस्पेक्ट्स की बातें होती हैं, जैसे ड्रॉइंग्स है, एडिशनल कैपिटल है, इन सबको जब पूरी तरीके से शामिल कर लेंगे तो ये हमारा प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम बेस्ड अकाउंटिंग कहलाएगा, या प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कहलाएगा। ये प्योर शुद्ध रूप से सिंगल एंट्री सिस्टम बेस्ड अकाउंटिंग कहलाएगी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ड्रॉइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, एडिशनल कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो
तो कॉमन सेंस की बात है, आज तक जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाए थे तो ऑलवेज कैपिटल को हम बस ओपनिंग कैपिटल के नाम से ही जानते थे, ओपनिंग कैपिटल को ही कैपिटल के नाम से जानते थे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यही हम कैपिटल का प्रेजेंटेशन या हमारे पास में जानकारी कैपिटल के बारे में थी। मीन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश मीन्स ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल वैल्यू को बैलेंस शीट में स्टार्टिंग में लिखा जाता था। उसमें ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करते थे, एडिशनल कैपिटल को ऐड करते थे, ड्राइंग्स को माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस करते थे। ये बातें हमारे जहन में है, हमारी जानकारी में है, लेकिन यहां पर जो हम अकाउंटिंग बना रहे हैं वो ओपनिंग कैपिटल से नहीं स्टार्ट हो रहा है, क्लोजिंग कैपिटल से। अंडरस्टूड है, जो आइटम वहां जोड़ा गया था वो सब माइनस में जाएगा यहाँ, और जो माइनस किया गया था उसे प्लस में लिखेंगे, ऐड में लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐड में हमारा चला जाएगा ड्रॉइंग्स, जो कि पहले माइनस होता था। कारण भी बताया, जितनी बार भी ड्रॉइंग्स किया गया था सभी के वैल्यू को कंबाइंड करके ऐड करना, और फिर माइनस ओपनिंग कैपिटल एंड फेस या एडिशनल कैपिटल, फेस या एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल कुछ भी कह सकते हैं। जितनी बार भी हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा, फेस या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया होगा, सबको कंबाइंड करके हम यहां पर इससे माइनस कर लेंगे, और माइनस करने से जो रिजल्ट आएगा, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो प्रॉफिट कहलाएगा, और निगेटिव रिजल्ट आता है तो हमारा लॉस कहलाएगा। इस तरीके से इस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जो जानकारी हमें देनी थी आज आपके सामने में इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेजेंट कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आपको जो कंसेप्ट की बातें हैं, बिगिनिंग की बातें हैं, इंट्रोडक्शन रिलेटिंग टू सिंगल इंट्री सिस्टम की बातें हैं वो क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर किसी तरह की समस्या इसके अंतर्गत रह जाती है तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो, बुक से भी इसको आप स्टडी करके बेसिक बातों को देख सकते हैं। हमारे वीडियो को बार बार देख करके आप इसकी जानकारी को ले सकते हैं। हमारा अगला जो वीडियो होगा इसके अकाउंटिंग प्रोसेस को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, व्यवहारिक प्रश्न के साथ, इस सैद्धांतिक बातों को हम व्यवहारिक रूप में प्रेजेंट करेंगे। शुरुआती तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कैसे बनाया जाता है, उसमें ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल वैल्यू नहीं दिया तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का प्रिपरेशन यहाँ पर कैसे किया जाता है, इन सब बातों की विस्तार से जानकारी अगले वीडियो में हम देंगे। हमें उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, और आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।